हेलो गाइस, आज हम सोया चाप की सब्जी बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोया चाप की सब्जी बनाना। सोया चाप बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम सोया चाप ली है और इसको हमने पानी से अच्छी तरह धो लिया है। और ये हमने एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको हमने पीसेस में कट कर लिया है। दो हरी मिर्च ली हैं और 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां ली थी, इसको हमने कूट लिया है। 5 हमने बड़े प्याज लिए हैं, इनको लंबाई में इस प्रकार से कट कर लिया है हमने। 4 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको हमने एक टमाटर में से 4 टुकड़े कर लिए हैं। और ये हमने एक छोटी कटोरी दही ली है। तो आइए बनाते हैं सोया चाप। ये मैंने कढ़ाई ली है, सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं सोया चाप की ये स्टिक निकाल लेती हूँ। ये बड़ी आसानी से स्टिक निकल जाती हैं। और ये हमारे सारे सोया चाप की स्टिक निकल चुकी है और अब मैं इसके पीसेस कर लूंगी। आप चाहे एक चम्प में से 2 टुकड़े कर सकते हैं, मैं एक में से 3-4 टुकड़े करूंगी। और ये हमारी सारी सोयाबीन की चाप कटकर तैयार हो चुकी है। और ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये सोयाबीन की इनको फ्राई कर लूंगी। मैंने इसमें आधी सोयाबीन की ये चापी डाल दी है फ्राई होने के लिए। जब तक ये फ्राई होती हैं तब तक मैं मैरिनेट तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक कटोरी दही ली है, अब मैं इस दही के अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच में गरम मसाला डालूंगी, 1/2 चम्मच में हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें, 1/2 चम्मच में इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच में इसमें नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डालना। और 1 चम्मच में इसमें कस्तूरी मेथी डालूंगी और इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। और ये हमारी सोयाबीन की चाप फ्राई हो चुकी है, इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये कितने अच्छे से फ्राई हुई है। इसी प्रकार से मैं इन्हें भी फ्राई कर लूंगी।
तक ये हमारी सोयाबीन की चाप फ्राई होती है तब तक मैं ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पीस लेती हूँ। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, अब मैं इसमें ये हरी मिर्च और अदरक डाल दूंगी और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। अब हमारी ये भी फ्राई हो चुकी है सोयाबीन की चाप, अब मैं इन्हें भी प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसी ऑयल में प्याज को फ्राई कर लूंगी। इन्हें मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी प्याज को। ये हमारे प्याज फ्राई होने लगे हैं, जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं इन्हें मैरिनेट कर लेती हूँ। इसमें मसाले के अंदर डाल दूंगी, इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। अब बाकी बची हुई भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये हमारे अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुकी है और ये हमारे प्याज भी भुनने लगे हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा और लाल करूंगी प्याज को। ये हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूंगी। ये हमने सारे प्याज को निकाल लिया है, ये हम आधा ऑयल इसमें से निकाल लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही रखेंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल ही इसमें छोड़ा है, सारा ऑयल हमने निकाल दिया है। और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, ये मैंने 4 से 5 मैंने लौंग ली है, 1 मोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 हरी इलायची ली है और 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। इन मसालों को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी मसालों को। मैं ये लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालूंगी, जिससे कि हमारी सब्जी का कलर बढ़िया आएगा। अब मैं ये पिसे हुए टमाटर डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और मसाले को मैं अच्छे से भूनने दूंगी इसे।
जब तक ये हमारा मसाला भुनता है तब तक मैं ये भुने हुए प्याज को मिक्सी के जार में पीस लूंगी। इसमें टमाटर पीसे थे, इसी में मैं ये प्याज पीसूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसे अब मैं पीस लेती हूँ। ये हमारे प्याज भी पीसकर तैयार हो चुके हैं, ते ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। ये हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ये सोयाबीन की चाप डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर ये प्याज का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इस बाउल में थोड़ा सा पानी डालूंगी और ये मिक्सी के जार में डाल दूंगी धो के इसको। अच्छे से मसाले को पानी से घोल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी मैं। और अब मैं इसमें ये मिक्सी के जार में जो पानी डाला था वो डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं। और अब मैं इसमें एक गिलास ये पानी डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी। जिससे कि हमारी जम्स अच्छे से गल जाए। और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रखूंगी और इसे पकने दूंगी स्लो गैस। तो आइए चेक करते हैं। ये हमारी सब्जी का कलर बढ़िया आया है। और ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी सोयाबीन की चाप की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमने बिल्कुल मार्केट जैसी सोया चाप की सब्जी बनाकर तैयार की है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।